और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और उसकी पैरवी करने वालों के खिलाफ आज ग्लोबल युद्ध का ऐलान कर दिया। आज जो प्रधानमंत्री का बयान आया है वो आपको सुनना चाहिए, और ये बयान तब आया है जब दुनिया आतंकवाद का दंश झेल रही है और इसराइल पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर हमास के हमलों के बाद छिड़े जंग के बीच दुनिया को आतंकवाद पर फिर से कड़ी चेतावनी दी। हमास के हमले पर जश्न मनाने वाले और हमास के हमदर्दों पर भी, ये संभवतः पहली बार प्रधानमंत्री का परोक्ष हमला था, इनडायरेक्ट अटैक, और प्रधानमंत्री का डायरेक्ट मैसेज शायद उनके लिए भी है जो मानवता और विक्टिम कार्ड के नाम पर आतंकवाद और आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं, गुड टेरर और बैड टेरर के बीच एक लकीर खींचते हैं, आतंकवाद का बंटवारा करने वालों पर मोदी स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश आज भी आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर सके। आम सहमति की इस कमी का फायदा आतंकवाद के सौदागर उठा रहे हैं। G20 के सदस्य देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पर हुए हमले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह कहकर दुनिया के उन देशों के दोहरे चरित्र पर उनको सुनाया और उसको एक्सपोज किया, फटकार लगाई, जिनके लिए आतंकवाद अभी भी गुड टेरर और बैड टेरर की पॉलिसी पर बटा हुआ है। हमारे यहां भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमास के लोग तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग आतंकवाद के नाम पर डबल गेम खेल रहे हैं उनको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने